पहले उसमें करेंगे एमसीक्यूज और मैंने कई सारे कमेंट्स में ये देखा कि मैडम एमसीक्यूज नहीं आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहे हैं सी वट क्वेश्चंस वी आर डूइंग ओवर हियर जो भी हम क्वेश्चंस यहां करने वाले हैं करेंगे वो क्वेश्चन आपसे किसी भी फॉर्म में कभी भी पूछा जा सकता है सो एनीवेज इट इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट प्रैक्टिस फॉर यू टू प्रिपेयर यू फॉर दी सीबीएसई एग्जाम्स राइट सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एमसीक्यू दैट इज द फर्स्ट एमसीक्यू सेज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल टेक प्लेस इन जो जेनेटिक मटेरियल होता है जेनेटिक मटेरियल यानी क्या होता है अभी देखो हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस भी पढ़ चुके हैं हेरिडिटी भी पढ़ चुके हैं अब ये जेनेटिक मटेरियल वगैरह भैया हमारे लिए बहुत आसान सी बात हो जाती है राइट सो व्हाट इज दिस जेनेटिक मटेरियल वही चीज जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है क्रोमेटिन मटीरियल जीन्स क्रोमोजोम राइट डीएनए तो अब हमें क्या क्या दिया हुआ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल किसमें होता है ऑप्शंस देखो है ना ये हमको स्ट्रक्चर तो मालूम है क्या क्या है और किसमें हो रहा है ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने कहा पढ़ा था ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में और उसमें क्या होता था उसमें एक वेजिटेटिव पार्ट से ग्रोथ होती थी राइट right? जो नेचुरल भी था और आर्टिफिशियल भी था तो भाई इसमें तो यह चीज नहीं है दूसरा प्रॉपर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्सचेंज नहीं होता है पास ऑन होता है एक से दूसरे में राइट right? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फिर है बडिंग तो अगर देखा जाए तो अगर हमने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को कर दिया है खत्म इसको हमने कर दिया है कैंसिल तो बाकी दोनों ऑप्शंस जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है और जो बडिंग है ये सब भी टाइप्स ऑफ ऑफुअल रिप्रोडक्शन है एंड वी हैव अ रीजन फॉर इट सो दी आंसर गोस टू वर्ड दुअल रिप्रोडक्शन इन विच ये देर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम टू ऑफ दी पेरेंट्स ड्यू the process of fertilization right so we'll check the answer what it says yes so it is sexual reproduction moving on to the second question two pink colored flowers on crossing result in one red two pink and one white flower jab do pink color ke flowers ko cross kiya gaya crossing ki gai, crossing over ki gayi it resulted in one red

ये जो प्रोसेस देखी जाती है ये स्नैप ड्रैगन प्लांट में देखी जाती है जहां पर जो ये पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं ये जब क्रॉसिंग ओवर इनमें होती है तो प्रोड्यूस हो जाते हैं क्या वन वाइट वन रेड एंड टू पिंक फ्लावर्स ठीक है अब हमसे पूछा है इसका नेचर क्या है अब ये नेचर हम कैसे बताएंगे हम देखते हैं हमको क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शंस में सो द फर्स्ट थिंग से इज डबल फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन होता है जब पोलन या फिर मेल गेमीट इन अ फ्लावर फ्यूजेस विद दी अदर टू

जो प्लांट है या जो उन दो प्लांट के जो फ्लावर्स हैं उनके बीच में क्रॉस कराया है ठीक है फाइन तो यहां पर हमें क्या पूछा गया था टू पिंक कलर्ड फ्लावर्स ऑन क्रॉसिंग रिजल्टेड वो खुद ही आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने क्रॉस कराया है तो क्रॉसिंग के बाद क्या हुआ कौन सा नेचर था तो मुझे ये सही भाई जस्टिफाइड लगता है भाई क्रॉस आपने भी कराया तो हम भी क्रॉस की बात करेंगे एंड नेक्स्ट थिंग इज नो फर्टिलाइजेशन अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं था तो फिर ये सब बन ही नहीं सकता था फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही है सो द मोस्ट अप्रोप्रियट आंसर हेयर इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन लेट्स चेक दस सो द्रॉस फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लांट एक लंबा वाला टॉल प्लांट है और एक शॉर्ट पी प्लांट है ठीक है एक लंबा प्लांट है और एक शॉर्ट यानी कि डॉफ प्लांट है अब इसको जब उन्होंने क्रॉस कराया रिजल्टेड इन प्रोजे दैट वैट वॉल बिकॉज अब जब एक शॉट और एक टॉल प्लांट को क्रॉस कराया जाता है तो ये हमने मैंडल सर के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है है ना उनकी स्टडी में पढ़ा है तो जब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को क्रॉस कराया जाता है तब क्या रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट था ऑल वर टॉल प्लांट सारे के सारे प्लांट टॉल थे हम ये पढ़कर आए हैं पढ़ चुके हैं तो भाई वो सारे के सारे टॉल क्यों थे फटाक से दिमाग में आ जाना चाहिए देखो ध्यान से मैंने वहां पर एक लाइन लिखवाई है क्या वो आपने ध्यान दिया भी होगा मैंने अलग से उसे नोटिफाई किया था कि अगर कोई डोमिनेंट कैरेक्टर है है ना तो वो एक अकेला होगा तब भी वो एक्सप्रेस होगा वो दो डोमिनेंट एक साथ होंगे तब भी वो एक्सप्रेस होगा और ये डोमिनेंट 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 ये जो अपन बार बार बोल रहे हैं एक्सप्रेस कैसे होता है कैपिटल लेटर से और रेसेसिव हम डिनोट uh, करते हैं स्मॉल लेटर से राइट right? जो फिर भाई बैठा रहता है जब वो दो तभी जब दो होंगे तभी वो दिखेंगे जब दो रेसेसिव कैरेक्टर्स एक साथ प्रेजेंट होंगे तभी वो जो फीनो uh, टाइप है जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसमें वो दिखेंगे तो भाई कैसी सिचुएशन दी हुई है एक तो दी हुई है ये और दूसरी दी हुई है ये और इनका कहना है कि सारे के सारे प्लांट टॉल हैं तो वो कैसे हैं किसकी वजह से हैं हमको ये बताना है तो कैसे हुए होंगे टॉल तो भाई वो डोमिनेंट कैरेक्टर की वजह से ही हो सकते हैं वाले की तरह की वजह से तो नहीं हो सकते तो देखो टॉलनेस इज द डोमिनेंट रेट

ओके लेट्स चेक इट यस ओके सो दस इज द डोमिनेंट रेट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अब मैं यहां पर यह बताना चाहती हूं कि आपके सामने कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कभी कभी क्या होता है हम अपनी धुन में क्वेश्चन सॉल्व करने की सही स्टेटमेंट क्या है या गलत स्टेटमेंट क्या है वो क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा है ना तो यू आर ऑलरेडी टूवर्ड हाफ ऑफ द आंसर राइट सो विच ऑफ इनकरेक्ट हमको दिए गए स्टेटमेंट से गलत स्टेटमेंट बताना है

अब इस चीज को ऐसे समझो कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है जीन ठीक है हार्मोन की इंफॉर्मेशन जीन दे रहा है दूसरा उन्होंने कहा प्रोटीन की इंफॉर्मेशन जीन दे रहा है ठीक है तीसरा उन्होंने कहा एंजाइम की इंफॉर्मेशन जीन दे रहा है बिल्कुल ये सब बॉडी के अंदर है, है ना फिर उन्होंने कहा कि फैट जो है उसकी इंफॉर्मेशन भी जीन दे रहा है नहीं ये चीज मैंने पढ़ाई है प्रोटीन मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि प्रोटीन जो है वो जीन से रिलेटेड ही है ठीक है लेकिन जो ये फैट है ना ये आप रेगुलेट कर सकते हो क्योंकि हमारी बॉडी में एंड नॉट ओनली फैट यहां पर एक और चीज लिखी हो सकती थी दैट इज कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट ये जो दो चीजें हैं एक कार्बोहाइड्रेट और दूसरा फैट ये दोनों चीजें जीन कंट्रोल नहीं करता ये हम गेन करते हैं हम इनहेरिट करते हैं हम लूज करते हैं सो so,

तो ये जो फैट और कार्बोहाइड्रेट है इट हैज नथिंग टू डू विद द जीन बट द एंजाइम प्रोटीन एंड हार्मोन ये जो एंजाइम है प्रोटीन है और हार्मोन है दे आर रिलेटेड टू द जीन सो आवर आंसर गोस टुवर्ड्स वी आर टेलिंग दैट इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज अ जीन लेट्स चेक इट राइट ओके सो यू ऑलरेडी नो द आंसर इसमें भी ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है बहुत दिमाग लगाने वाली बात नहीं है दिस इज ऑल अबाउट फैट राइट मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन सीड प्लांट जिसके पास राउंड और ग्रीन कलर के सीड्स हैं जिनका ये दिया हुआ है जीन कैसा दिखेगा मतलब जीनोटाइप कैसा दिखेगा इस क्रॉस विद द रिंकल्ड येलो सीड पी प्लांट इसको क्रॉस किया गया रिंकल्ड येलो सीड जिसके थे उस प्लांट के साथ तो ये है उसका जीनोटाइप ठीक है द सीड प्रोडक्शन इन एफ वन जनरेशन आर तो एफ वन जनरेशन में कैसे सीड्स प्रोड्यूस होंगे अभी जब जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ गया होगा चलो अब टेबल बनाते हैं आर 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 वाई 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 और गैमीज बनाते हैं उनको फिर अपन क्रॉस कराएंगे तो अभी बता देंगे सुनो ध्यान से क्या बोला है राउंड ग्रीन सीड जिसका जीनो था ये ठीक है क्रॉस विथ रिंकल्ड येलो सीड उसका फिनो था ये ठीक है द सीड्स प्रोडक्शन इन एफ वन जनरेशन आर हम ये पढ़ के आए हैं कि एफ वन जनरेशन में जो कैरेक्टर दिखता है वो हमेशा वो, ध्यान से सुनना है इस बात को कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी कुछ बनाने की करने की जरूरत नहीं है देख के क्वेश्चन आप आंसर बता सकते हो दैट इज एफ वन जनरेशन में जो कैरेक्टर्स दिखते हैं कब जब इनको कराया जाता है रिप्रोड्यूस करने के लिए बोला जाता है तो एफ जनरेशन में मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन जो बनती है उसमें जो कैरेक्टर दिखता है वो यूजुअली डोमिनेंट कैरेक्टर दिखता है ठीक है अब अपन यहीं से हिसाब लगा सकते हैं एक चीज की डोमिनेंट कैरेक्टर मुझे एक ये दिखता है और एक ये दिखता है यहां पर कैपिटल आर डिनोट दैट द सीड इज राउंड ठीक है एंड

कि ये जो रिंकल्ड था ये स्मॉल आर के लिए था इन दोनों चीजों को हमने अभी कर दिया कैंसिल और ये जो स्मॉल है क्योंकि है? है, क्या और अगर मैं इसको रिमूव कर देती हूं देखो ठीक है अगर मैं इसको रिमूव कर देती हूं तो मुझे क्या दिखता है तो मुझे बस यही दोनों फैक्टर्स दिखते हैं एक राउंड और एक येलो तो भाई F1 वन जनरेशन में प्रोड्यूस होने वाले जो सारे सीड्स हैं वो कैसे होंगे राउंड होंगे और येलो होंगे इजी है इजी है इस चीज को आप क्रॉस बनाकर भी क्रॉस चेक कर सकते हो है ना कैसे क्रॉस चेक करेंगे कैसे क्रॉस चेक करेंगे भाई क्रॉस चेक कर लेते आओ राउंड सीड्स थे अपने पास देखो राउंड और ग्रीन सीड्स थे कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ राउंड और ग्रीन सीड्स थे कैपिटल आर और स्मॉल वाई के साथ हम यहां लिख लेते हैं दैट दे आर राउंड एंड येलो सॉरी इट वाज ग्रीन राइट सो इट वाज ग्रीन ओके ओके इट वाज ग्रीन अगेन कम राउंड एंड ग्रीन ओके एंड इट वॉज क्रॉस्ड विथ अगेन वॉट रिंकल्ड एंड येलो रिंकल्ड लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे दिखने वाले हैं फिनोटाइप क्या है रिंकल्ड और येलो ये दो दिख रहे थे इनके बीच में कराया क्रॉस तो अब सोचो जब इनके बीच में क्रॉस हुआ होगा तो गैमीट्स बने गेमीज कैसे बने यहां से बना एक कैपिटल आर एक स्मॉल वाई और यहां से बना एक कैपिटल आर एक स्मॉल वाई राइट सिमिलरली यहां से बना स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई तो ये बन गए राउंड और ग्रीन के गेमीट्स ये बन गए राउंड और ग्रीन के गेमिट्स और यहां दोनों बन गए रिंकल्ड और येलो के अब इनके बीच में जब क्रॉस हुआ तो समझो वो कैसा क्रॉस हुआ वो ऐसा हुआ ऐसा ठीक है क्या हुआ ये कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई ये अपन ने राउंड और ग्रीन के एक साइड रख लिये गेमिज अब रिंकल्ड और येलो के गेमिज भी एक साइड रख लेंगे ये रिंकल्ड ये येलो ये रिंकल्ड ये येलो अब देखो कैरेक्टर क्या बनेगा आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल सिमिलरली कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यस एंड सिमिलरली ओवर हियर यही कॉम्बिनेशन बार बार बन रहा है क्योंकि हमको यही कॉम्बिनेशन दिख रहा है सही बात है तो वो कॉम्बिनेशन जो है वो कैसा है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई अब हमें यहां देखने को क्या मिल रहा है हर जगह कैपिटल आर प्रेजेंट है और हर जगह कैपिटल वाई प्रेजेंट है हर क्रॉस में और हर क्रॉस में स्मॉल आर और स्मॉल वाई भी प्रेजेंट है भाई तो इसका मतलब क्या है रेसे अपने आप को दिखाता ही नहीं है अगर उसके साथ उसका पार्टनर है डोमिनेंट तो डोमिनेंट कैरेक्टर बस देखने को मिलता है तो डोमिनेंट कैरेक्टर इज राउंड एंड येलो दिस इज दी क्रॉस चेक ये हो गया हमारा भैया हमको समझ में आ गया कि जनरेशन में क्या दिखने वाला है राउंड और येलो दिखने वाला है क्वेश्चन we'll अगेन है ना अभी हमने इसको दो तरीके से समझ लिया है एक तो हम देख के भी बता सकते हैं दूसरा हम क्रॉस करके भी बता सकते हैं सो द आंसर ओवर इज लेट चेक दाउंड एंड येलो इजी है कुछ डिफिकल्ट नहीं है अगर हमने क्रॉस बना लिया तो वो क्रॉस चेक हो गया दैट इज हंड्रेड परसेंट करेक्ट और अगर हम नहीं भी बना पाते तो भी हम देख के बता सकते थे है ना अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमन मेल्स अभी किसकी बात हो रही है मेल्स की इस बात को ध्यान रखना है लोग ह्यूमन पढ़ के मेल फीमेल भूल जाते हैं ना इन ह्यूमन मेल्स ऑल द क्रोमोजोम्स आर पेयर्ड परफेक्टली सारे क्रोमोजोम्स परफेक्टली पेयर्ड होते हैं एक्सेप्ट वन एक को छोड़ के देखो लार्ज क्रोमोजोम स्मॉल क्रोमोजोम ये लार्ज क्रोमोजोम और स्मॉल क्रोमोजोम क्या लार्ज और स्मॉल नहीं या तो भाई किसी पेयर जो क्रोमोजोम का पेयर है वो किसी इंफॉर्मेशन को लेकर होगा है ना दूसरी चीज वाई क्रोमोजोम एंड एक्स क्रोमोजोम और बात किसकी चल रही है बात चल रही है ह्यूमन मेल की उसमें बताना है कि सारे परफेक्टली पेयर्ड है एक अनपेयर्ड है तो भाई यही वाला एक्स और वाई जो होता है जो बनाता है स्पर्म्स यानी कि क्या यानी कि मेल उसी में एक्स और वाई होते हैं और उसी को हम बोलते हैं दैट इट इज लेट्स चेक आंसर कि ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन कहा दिया हुआ है बहुत से बच्चे ऐसे क्वेश्चन में करते हैं थोड़ी मिस्टेक्स तो भाई ध्यान से देखना थर्ड और फोर्थ ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है फर्स्ट सेकेंड थर्ड थर्ड और थर्ड और फोर्थ सो दी आंसर ओवर हियर फॉर दिस क्वेश्चन इज करेक्ट लेट्स चेक दी आंसर इजी है ये क्वेश्चन भी कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं लगा हमको है ना इजी आसान सा जल्दी से हो गया

तो में अगर एक्स क्रोमोजोम है तो क्या वो ये बताता है कि ये मेल है नहीं एक्स क्रोमोजोम इज फॉर वॉट इज फॉर फीमेल क्योंकि ओवम के पास तो एक एक्स ऑलरेडी एक 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 होता ही है अब इसके पास अगर एक और एक्स आया है तो मतलब भाई ये तो फीमेल होनी चाहिए थी तो ये मेलनेस की तरफ नहीं जाता Y in zygote, तो yes, y is for male क्योंकि जो फीमेल है उसके पास ऑलरेडी एक्स है और अगर आ जाता है तो ना बहुत सा. जो होता है सेल का वो कभी भी नहीं कर सकता यह कोई हमने पढ़ाई नहीं है ना ये कोई कंसेप्ट नहीं है सेक्स इज डिटेमाइंड बाई चांस जैसा कुछ नहीं होता है देर आर सर्टन फैक्टर्स विच डिटन दस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड फॉर दिस क्वेश्चन it is the y chromosome which will tell the maleness of a child right so the answer goes towards the b option let's check the answer b option he hamara answer है. okay move on to the next question question number 8 says a zygote which has x chromosome inherited from the father will develop into a फिर से ये वैसा ही क्वेश्चन है घुमा फिरा के पूछा गया है उनने ये बोला है अ जाइगोट विच हैज एक्स क्रोमोजोम इनहेरिटेड फ्रॉम दी फादर एक जाइगोट है जिसमें जाइगोट मतलब वही फ्यूजन के बाद बना है ना फ्यूजन ऑफ गेमीज के बाद प्रोसेस दी फर्टिलाइजेशन उस जाइगोट में उनका कहना है कि फादर से आया है एक्स क्रोमोजोम फादर से आया है एक्स क्रोमोजोम और जो ओवम होता है मदर के पास है ना ओवन जो होता है किसके पास मदर के पास वहां पर क्या प्रेजेंट रहता है पर प्रेजेंट रहता है मदर के पास उनके ओवम में प्रेजेंट रहता है ऑलरेडी एक्स क्रोमोजोम फादर ने भी दे दिया एक्स क्रोमोज़ोम तो दोनों एक्स इसमें आ गए तो इट इज एक्स एंड एक्स इट इज गोइंग टू बी अ गर्ल चाइल्ड राइट बॉय नो इट डेवलप्स इंटू अ गर्ल बट आगे के दो ऑप्शन और देख लो हो सकता है कुछ और रिलेवेंट चीज दियो एक्स क्रोमोजोम डज नॉट डिटर्माइन दी सेक्स ऑफ अ चाइल्ड भाई ये हम तो पूछा गया था कि कौन बनेगा तो लड़की तो बनेगी इधर बॉय और अ गर्ल नहीं है ऐसा कुछ नहीं है इट इज गोइंग टू बी अ गर्ल दैट्स इट ओके लेट्स चेक सो द आंसर इज गर्ल है ना इजी था नहीं भी चेक करते तो भी पता था ओके सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको गलत स्टेटमेंट बताना है दिए गए स्टेटमेंट में से तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टन जीन इन पॉपुलेशन चेंज ओवर सेवरल जनरेशन रिजल्टिंग इन इवल्यूशन मतलब ध्यान से सुनो फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार हो रहा है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टन जीन इन पॉपुलेशन चेंज ओवर सेवरल जनरेशन बार बार अगर कोई जीन चेंज हो रहा है तो क्या वो इवोल्यूशन बना देता है तो ये कह रहे हैं हा बार बार जीन चेंज होने से इवोल्यूशन होता है पहला हमें बताना है इनकरेक्ट क्या है सेकेंड रिडक्शन इन वेट ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल्ड अगर किसी ऑर्गेनिज्म का वेट कम हुआ उसने उसने करी या किया और वेट कम कर लिया, तो क्या ये कंट्रोल्ड है क्या ये जीन्स में जाएगा ये पूछा गया है तो तुम्हें क्या लगता है भाई हम पढ़ के आए ये जो वेट है ये मैंने अभी बताया था फैट भी और कार्बोहाइड्रेट भी आपकी बॉडी में इनहेरिट हो रहे हैं इसका जीन से कोई लेना देना नहीं है तो भाई पे भी कोई लेना देना नहीं है है ना अगर आप वेट कम करोगे या ज्यादा करोगे तो वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होगा ठीक है तो ये ऑप्शन हमें इनकरेक्ट दिख गया पहले ही है ना सेकेंड ऑप्शन भी देखो लो वेट पेरेंट्स कैन हैव हैवी वेट प्रोजेनी बिल्कुल पतले दुबले जो पेरेंट्स होते हैं उनके भी बच्चे बहुत हैवी वेट के हो सकते हैं नेक्स्ट ट्रेट विच आर नॉट इनहेरिटेड ओवर जनरेशन डू नॉट कॉज इवोल्यूशन जो ट्रेड्स इनहेरिट नहीं हो रही वो ऑब्वियसलीवल्यूशन में पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं तो उनसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओवर इज स्टेटमेंट लेट्स चेक दस सो इट इज द रिडक्शन इन वेट ऑफ दर्गेनिजम ड्यू टू स्टारवेशन इज जेनेटिकली कंट्रोल ये जो रिडक्शन वेट रिड्यूज हो रहा है ये जेनेटिकली कंट्रोल नहीं होता और इनका कहना है हो रहा है इसीलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन टू पी प्लांट दो पी प्लांट लिए पिसम सटाइव ठीक है याद रखना है अब ये वर्ड ऐसे अपने को याद करते चल रहे जितनी बार पी प्लांट देखेगा उतनी बार sativum आएगा ठीक है प्लांट राउंड ग्रीन सीड राउंड और ग्रीन सीड्स एंड अनदर विथ रिंकल्ड एंड येलो सीड्स रिंकल्ड एंड येलो सीड्स हाँ ये वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन ये वो नहीं है सुनो सीड्स प्रोड्यूस एफ वन प्रोजेडी येलो सीड्स यहां तक तो हम सॉल्व करके आए हैं ऑलरेडी तो जो एफ टू प्रोजे बनती है, है इनमें से नया कॉम्बिनेशन क्या बनने वाला है तो हमारे पास ऑलरेडी क्या प्रेजेंट था पहले तो हम उसको लिख लेंगे हमारे पास राउंड और ग्रीन प्रेजेंट है राउंड और ग्रीन प्रेजेंट है फिर हमारे पास प्रेजेंट है रिंकल्ड एंड येलो रिंकल्ड एंड येलो नाउ इसको छोड़ के और जो कॉम्बिनेशन नए बने हैं वो हमको बताना है इनमें से कि कौन से वाले हैं ठीक है इतनी बात समझ में आ गई अब अभी तक जो हमने नहीं किया था जो हमने सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए किया था अब हम उसको करने जा रहे हैं मतलब अब हम बनाने वाले हैं टेबल है ना ये तो भाई हमको टेबल से समझ में आएगा ना देखो पहले तो अपन गेमीट्स देख लेते हैं क्या क्या बन सकते हैं गेमीट्स क्या क्या बनेंगे ये कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर और कैपिटल वाई कैपिटल वाई लेट्स चेक लेट्स मेक द क्रॉस ओके सो वी हैड कैपिटल आर राइट विथ स्मॉल वाई कैपिटल आर विद स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर विद कैपिटल वाई एंड दे से इन्होंने बनाई क्रॉस करके एफ वन जनरेशन जो क्या बनी थी जो बनी थी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये हमें क्वेश्चन में सिचुएशन दी हुई है क्रॉस चेक करो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ठीक है ये ये सिचुएशन हमको दी हुई है ऑलरेडी अब हम देखेंगे कि अब क्या होगा आगे किसमें F2 टू जब हम बनाएंगे उस समय हमको कौन कौन से और सीड के कलर या फिर शेप मिलेंगे है ना ये वाले दो अपने पास ऑलरेडी थे लेट्स चेक इट वॉट वी आर गोइंग टू डू अब ये जो है इन्होंने बनाए होंगे गेमीट और वो गेमीट बनने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इसमें से वो पॉसिबिलिटी हो सकती है एक बार कैपिटल आर और कैपिटल वाई आ गया हो कैपिटल आर और कैपिटल वाई आ गया हो फिर एक बार हो सकता है कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ आ गया हो तो कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ आ गया हो फिर हो सकता है स्मॉल आर और कैपिटल वाई आ गया हो स्मॉल आर और कैपिटल वाई आ गया हो फिर ये भी हो सकता है कि स्मॉल आर और स्मॉल वाई आ गए हो तो बिल्कुल हमने ये भी एक फैक्टर ले लिया ठीक है अब ये गैमिट आए किससे सपोजिंगली फादर से तो सिमिलरली जो मदर हैं उनसे भी गेमीट आएंगे तो फादर्स के गैमिट यहां मदर के यहाँ तो मदर से भी सिमिलरली सेम टाइप के गैमिट बनने के चांसेस हैं बिल्कुल तो हम उन्हीं को ले लेते हैं ठीक है अब हम इसमें कॉम्बिनेशन देखते हैं कि कॉम्बिनेशन जो है वो क्या क्या बन सकता है राइट सी वन टू थ्री और ये फोर है ना ये क्रॉस बन रहे ये ऐसा ये ऐसा और ये ऐसा हमेशा अगर आपको आप इसे इसी पैटर्न में सॉल्व करोगे तो आपकी गलती होने की चांसेस कम है आप ऐसे ही इसे सॉल्व करें नाउ लेट्स चेक व्हाट हैपेंस इन दिस क्रॉस ओके ओके सो विल मेक दिस क्रॉस कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई दोनों तरफ है यस yes, मैडम बिल्कुल वाई लिखते वक्त ध्यान रखेंगे क्योंकि वो उसी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है आर जो है वो हमको अलग से समझ में आ रहा होता है है ना तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है यहाँ पे ओके देन वी हैव कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई ओके नो दिस वॉज कैपिटल वाई इट सेल्फ ओके इट वॉज कैपिटल वाई यस एंड देन वी हैव कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई ये हमारे कॉम्बिनेशन बन गए अभी हम देखेंगे इसका यानी कि क्या होगा क्या कॉम्बिनेशन है वो भी देखते हैं ठीक है अभी अपन पहले पूरा क्रॉस बना लेंगे अब देखो फिर से यहां पे कैपिटल आर है दोनों यहां पे ये स्मॉल वाई है ठीक है यहां पर दोनों कैपिटल आर है और दोनों स्मॉल वाई हैं. फिर यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है ओके और यहां पर फिर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई है ओके एंड देन यहाँ पे फिर हमारे पास है स्मॉल आर कैपिटल आर है ना यहाँ पर फिर हमारे पास क्या है स्मॉल आर और कैपिटल आर लेट्स चेक इट और फिर हमारे पास है कैपिटल वाई कैपिटल वाई देन वी हैव कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई and then we have capital r no this is small r okay this is small r small r capital y capital y small r small r capital y small y fine then again last cross banao dekho fir capital r small r capital y small y capital r small r and small y small y

और कैपिटल वाई कैपिटल आर इज फॉर राउंड एंड कैपिटल इज फॉर रिंकल्ड तो ये जो है ये राउंड है राउंड है और रिंकल्ड है ठीक है ये भी राउंड और रिंकल ये भी राउंड और रिंकल ये भी राउंड और, और, और रिंकल क्योंकि सब में कैपिटल आर कैपिटल वाई है ये भी राउंड और रिंकल 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 ठीक है और ये भी राउंड और रिंकल ये इतने अपने पास क्या है राउंड और रिंकल क्योंकि इन सबके पास कैपिटल और कैपिटल वाई है देन अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कॉम्बिनेशन दिखता है हमको अब हमको मिलता है कि राउंड है और ग्रीन है तो ये राउंड और ग्रीन राउंड और ग्रीन और राउंड और ग्रीन है ना तो ये तीन राउंड और ग्रीन दिख गए बिल्कुल दिख गए अब अपन फिर से देखते हैं कि अब अपने पास क्या है अब अपन रिंकल्ड और येल्लो तो ये है रिंकल्ड और येल्लो ये है रिंकल्ड और येल्लो और ये है रिंकल्ड और येल्लो येस बिल्कुल है और इसके बाद एक अकेला ये बचता है विच इज अगेन रिंकल्ड एंड ग्रीन तो ये एकदम अलग कॉम्बिनेशन है मतलब बेसिकली देखा जाए अगर हम अपने क्वेश्चन से क्रॉस चेक करें तो हमें क्या क्या ऑप्शन मिले हमने जब देखा तो हमें कॉम्बिनेशन में राउंड और येलो भी मिला राउंड और येलो भी मिला और रिंकल्ड और ग्रीन भी मिला तो तो मैडम हमें सारे सारे के सारे मिल गए तो जब हमें ये सारे मिल गए तो हमने पहले से निकाल के रखा था कि पेरेंट में कौन प्रेजेंट है तो पेरेंट में था राउंड और ग्रीन और रिंकल्ड और येलो है ना तो यहां राउंड और ग्रीन और रिंकल्ड और येलो कौन है राउंड और ग्रीन है ये सेकेंड वाला रिंकल्ड और येलो है ये थर्ड वाला तो ये दोनों तो भाई पेरेंट में प्रेजेंट ही थे तो अब इसके बाद नया क्या बना राउंड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन ये दो नए कॉम्बिनेशन बने एक्सेप्ट दी पेरेंट्स वन यस ओके सो वेर आर दीज फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन प्रेजेंट इन दी गिवन ऑप्शन कहा दिए हुए हैं पहला और फोर्थ वाला ऑप्शन तो वो दिया हुआ है फर्स्ट और सेकेंड नहीं फर्स्ट और फोर्थ फर्स्ट और फोर्थ बी ऑप्शन में दिया हुआ है तो हमारे हिसाब से बी ऑप्शन इसका सही आंसर है हम चेक कर लेते हैं व्हाट डज इट से यस सो द बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो नाउ द क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो कितना भी ट्विस्ट करके आपसे पूछा गया हो दर इज ऑलवेज अ लॉजिक टू दैट क्वेश्चन यू कैन सॉल्व वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं टेबल बना के है ना ऑलवेज ट्राई टू डू दैट इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन ओके वील मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है which of the following statement is not true? कौन सा गलत गलत है है. के regarding, अगर हम बात करें तो हमें दिए गए options में से दिखाना क्या जितने भी variations होते हैं सबके पास इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल होता है uh, फर्क नहीं पड़ता कि जो वेरिएशन है वो अच्छा है या बुरा है. है ना तो अब अगर ये फर्क नहीं पड़ रहा वो अच्छा है बुरा है तो क्या सबके सब, सब सरवाइव कर जाते हैं तो हमें क्या लगता है भाई अगर वेरिएशन अच्छा है तो वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेगा अगर वेरिएशन खराब है सपोज करो उसके हार्ट में प्रोसेस में कोई तो अच्छा प्रॉब्लम नहीं आती है खाना पीना हवा पानी सब बढ़िया चलता रहता है तो वो वेरिएशन उसके काम का है तो ऑल वेरिएशन स्पीसीज इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल नो टू द इनवायरमेंट राइट नेक्स्ट

ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में कम होते हैं तो ये भी स्टेटमेंट सही है गलत स्टेटमेंट कौन सा है ऑप्शन ए लेट्स चेक द आंसर ऑप्शन ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट ऑल वेरिएशन इन स्पीशीज द्वेशन दिएशन चांस रॉन्ग स्टेटमेंट इट इज नॉट ट्रू ओके फाइन सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अ ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जो ट्रेट है जो मतलब जो कैरेक्टर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जैसे स्किन कलर अलग अलग टाइप का है तो वो किससे इन्फ्लुएंस होते हैं ये बताना है paternal dna paternal dna paternal मतलब पापा की साइड का डीएनए तो क्या सिर्फ पापा की साइड का इफेक्ट करता है नहीं मम्मी भी तो इन्वॉल्वड है तो maternal dna क्या मदर का डीएनए इन्फ्लुएंस करता है नहीं पापा भी तो प्रेजेंट है बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए यस बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए बिल्कुल दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं दोनों का डीएनए इन्वॉल्व है अभी तक ये सही है नीदर बाय बाय पेरेंटल नॉर उनका कहना है पेटरनल भी नहीं है मैटरनल भी नहीं है नहीं बिल्कुल हमारे दोनों पेरेंट्स के डीएनए इन्वॉल्व होते हैं किसी भी कैरेक्टर के ट्रेट के लिए है ना तो सही ऑप्शन हमें लगता है ऑप्शन सी लेट्स चेक आंसर यस yes, है ना ये तो भाई ऑब्वियस बात है इस ये तो हमें मालूम ही है इसको तो हम गलत करके आ ही नहीं सकते देन सिलेक्ट दी ग्रुप विथ शेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स दिए गए ग्रुप में से किसमें सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर होंगे ये बताना है हमको देखो ऑप्शन टू इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज स्पीशीज के दो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके बीच में क्या सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर दिखते हैं तो अगर हमें स्पीशीज दिख गया है तो हमें पहले पता होना चाहिए taxonomy जो हम पढ़ के आए हैं बायोडाइवर्सिटी इन क्लास नाइन हमने पढ़ा था स्टडी और क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी और उसमें हमने अलग अलग चीजें पढ़ी थी और वो ऑर्डर्स क्या थे किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस एंड स्पीशीज तो सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर स्पीशीज में होते हैं उनसे थोड़े कम ऑर्डर में, में, में उनसे थोड़े कम क्लास में उनसे थोड़े कम फाइलम में और किंगडम तो मतलब सिर्फ दो ही टाइप के होते हैं एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम है ना ये सब अपन पढ़ के आए हैं तो ये स्पीशीज में सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं ये अभी तक हमने देखा नाउ स्पीशीज़ वाला तो टू इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज विल हैव मोस्ट कॉमन कैरेक्टर हां बिल्कुल अभी तक हमें यही लगता है आगे ऑप्शन देखो टू स्पीशीज ऑफ सेम जीनस नहीं जीनस में थोड़ा वास्तव थोड़ा डिफरेंस आता है कैरेक्टर में फैमिली में और डिफरेंस आता है और टू जनरा फैमिलीज उसमें भी आएगा। ऑफ कॉमन कैरेक्टर वो क्या है फर्स्ट ऑप्शन दैट इज टू इंडिविजुअल स्पीशीज है ना तो ये हमें करेक्ट लगता है आंसर लेट्स चेक इट यस सो फाइन सो विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन From the list given below, select character which can be acquired but not inherited. एक list दी गई है character की उसमें से हमें बताना है कि कौन से heredity के process से transmit हो सकते हैं ठीक है कैन बी अक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेड अक्वायर कर सकते हो लेकिन इनहेरिट नहीं कर सकते यानी आप उसे अपनी लाइफ टाइम में अडाप्ट कर सकते हो सीख सकते हो उसे अपनी बॉडी में अपने कैरेक्टर्स uh, में ला सकते हो लेकिन वो पास ऑन नहीं होंगे ये हमें बताना है ठीक है फिर से फॉर्म्स दी फ्रॉम दी लिस्ट गिवन बिलो सिलेक्ट दिच कैन बी एक्वाय बट नॉट इनहेरिटेड जो हम सीख सकते हैं लेकिन हमारी प्रोजेनी में नहीं जाएंगे तो वो कौन से कलर ऑफ दी आई बिल्कुल जाती है प्रोजेनी में कलर ऑफ दी स्किन बिल्कुल जाता है प्रोजेनी में साइज ऑफ दी बॉडी साइज ऑफ दी बॉडी भाई साइज तो मैं कैसे भी कम ज्यादा मोटा पतला हो सकता हूं ना मोटा पतला कम ज्यादा कर सकते हैं जिम जा सकते हैं वेट लूज कर सकते हैं वेट गेन कर स्ट्रेट का है ब्राउन तो है ग्रे है? है, 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 है ये सारे कैरेक्टर्स भी एक से दूसरे में जा सकते हैं तो भाई ये तीन जो है ये तो हो जाएंगे uh, क्या इनहेरिट और अक्वायर कौन सा होता है साइज ऑफ द बॉडी कर सकते हैं सो दी ऑप्शन आंसर ये सो दी मूविंग ऑन टू दस्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कहता है टू वर्जन ऑफ ट्रेट यानी कैरेक्टर विच आर ब्रॉट इन बाय द मेल एंड फीमेल गेमीट आर सिचुएटेड ऑन अगर दो वर्जन है किसी कैरेक्टर के जैसे दो हेयर कलर दो आई कलर दो स्किन कलर तो ये जो कलर है दे आर ब्रॉट ब्रॉटन बाई मेल एंड फीमेल ये मेल और फीमेल से आते हैं उनके गेमीट से तो ये कहां पर सिचुएटेड होते हैं कहां सिचुएटेड होते हैं ये कॉपीज ऑफ सेम क्रोमोजोम एक ही टाइप के क्रोमोजोम में या टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोजोम दो अलग अलग क्रोमोजोम में या फिर सेक्स क्रोमोजोम में तो भाई अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो सेक्स क्रोमोजोम पे तो नहीं होगी क्योंकि ये तो भाई XY XY वो जो जेंडर डिटरमाइन कर रहा था सेक्स डिटरमिनेशन में पड़ा था तो ये तो नहीं है एनी क्रोमोजोम नहीं टू डिफरेंट क्रोमोजोम दो अलग अलग क्रोमोजोम पे अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन होगी तो ये भी नहीं है कॉपीज ऑफ सेम क्रोमोजोम इधर से न आया इधर से क्रोमोजोम वन आया तो दोनों पे सेम टाइप की इंफॉर्मेशन होती है ये हमने पढ़ा है सो द कॉपीज ऑफ सेम क्रोमोजोम हमारा सही आंसर है यहां पे राइट सो द द आंसर आंसर इज ऑप्शन ए लेट्स चेक यस इट इज द कॉपीज ऑफ सेम क्रोमोजोम आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन से सिलेक्ट दी स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जीन कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जीन ठीक है, जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन अ डीएनए मॉलिक्यूल मतलब जो जीन्स है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस है ऑफ बेसिस इन अ डीएनए मॉलिक्यूल ओके एंड अ जीन डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन और इनका कहना है कि जो जीन है इट डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन हाँ तो भाई ये हम इसको अभी पहले भी पढ़ के हैं जो प्रोटीन है वो जीन के बारे में बताएगा ना कि जीन प्रोटीन के बारे में बताएगा थर्ड ऑप्शन इन इंडिविजुअल ऑफ़ गिवेन स्पीशीज अगर कोई स्पीशीज का एक ऑर्गेनिज्म लिया अ स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोजोम हाँ ये चीज बहुत बड़ा फैक्ट है कि जिस क्रोमोजोम पे जो पेरेंट कौन से मेल पेरेंट से आया है और वही क्रोमोजोम अगर फीमेल पेरेंट से आया है तो जैसे अगर फर्स्ट क्रोमोजोम पर इंफॉर्मेशन है आई कलर की तो दोनों के फर्स्ट क्रोमोजोम पर आई कलर की इंफॉर्मेशन होगी ऐसा ही होता है दिस इज दी फैक्ट ओके इन इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन स्पीशीज A specific gene is located on a particular chromosome. हाँ बिल्कुल Next, each chromosome only one gene. नहीं. हर पे बहुत सारे हैं। अगर आपको याद हो तो quick मैं, revision कराया वहां पर मैंने chromosome भी बताया और उसके ऊपर present genes भी बताए थे हमने एक ऐसी इमेज के साथ diagram भी देखा था ओके तो each chromosome has only one gene. No. Chromosome के ऊपर बहुत सारे genes होते हैं तो भैया है, ये वाला statement गलत और

ओके, सो दिस इज़ करेक्ट आंसर लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन इन पी प्लांट अ प्योर प्लांट है प्योर टॉल प्लांट पूरा का पूरा टॉल प्लांट जिसका ये है जीनोटाइप। टाइप इज क्रॉस विथ शॉर्ट प्लांट जिसका ये है जीनोटाइप। टाइप द रेशो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू शॉर्ट प्लांट इन एफ जनरेशन तो एफ जनरेशन में क्या रेशो बनेगा थ्री का रेशो दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में सेकेंड ऑप्शन में थ्री इंस टू वन दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में वन इन और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है टू इन तो भाई हमने इस चैप्टर में मात्र दो रेशो पढ़े एक थ्री वन का रेशो पढ़ा था और दूसरा पढ़ा था नाइन इज टू थ्री टू थ्री टू वन का रेशो एक मोनोहाइब्रिड में एक डायहाइब्रिड में तो वो रेशो हमें यहाँ दिख रहा है तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे तो हमने मेमोराइज कर रखा है हमें याद ही है ओके सो ऑप्शन करेक्ट ओवर हियर इज बी ऑप्शन दैट इज थ्री टू वन ऑप्शन यस, सो दैट इज दाउलोजोम इनगोट ऑफ ह्यूमन इज कितने क्रोमोजोम के सेक्स क्रोमोजोम के जाइोट में तो टोटल तो क्रोमोजोम कितने थे 23 पेयर है ना उसमें से एक होता था सेक्स क्रोमोजोम तो बाकी 22 को हटा दो एक होता था ना सेक्स क्रोमोजोम तो बस एक पेयर होता था तो हमें दिए हुए ऑप्शन में वन टू थ्री और फोर सो देर इज ओनली वन पेयर सो शुड बी ए ऑप्शन लेट्स चेक द आंसर ये सो ऑप्शन ओवर इयर इज करेक्ट दैट सेट दिस सेशन बट आई वुड लाइक टू टेल यू सम हमने किया था क्विक रिविजन अभी तक हेरिडिटी का और हमने उसी से रिलेटेड एमसीक्यू सोल्व किए हैं ये देर आर सर्टन एमसीक्यू रिलेटेड वो हम इवोल्यूशन पढ़ने के बाद करेंगे सॉल्व अभी हमें करनी है हेरिडिटी की तैयारी ओके सो वील मीट इन देशन विद सम मोर क्वेश्चन फ्रॉम दैप्टर एंड फॉर नाउ वी एट मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड यू विद Hundred percent free education platform from for kindergarten to twelfth. And please do like the video, subscribe the channel, and share it with your all friends and all these siblings. Okay, thank you. Keep studying.